इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में डूबने से दो युवक की मौत हो गई है। मामला मंझौल ओपी क्षेत्र के सियूरी पुल के समीप की है। ग्रामीणों के अनुसार तीन युवक एक कार से नदी में स्नान करने आया था। स्नान करने के क्रम में तीनों नदी में डूब गया। ग्रामीणों की मदद से एक युवक को बचाया गया, जिसकी हालत नाजुक है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन युवक के गाड़ी में रखे आईडी कार्ड के अनुसार युवक का नाम सुजीत प्रकाश है। फिलहाल मंझौल थाना की पुलिस शव को ढूंढने का प्रयास कर रही है। वीटी न्यूज बिहार के लिए चेरिया बरियारपुर से कुमार गौरव की रिपोर्ट। कैसा घटना हुआ है? नहाने क्रम हुआ था सर। कितना आदमी था? तीन आदमी बताया जा रहे हैं। तो तीनों डूब रहा था क्या? तीनों डूब रहा था, एक को यहाँ का पब्लिक लोग पकड़ के बचाए। तो वो जो एक बचा हुआ है वो कहाँ है अभी? वो अभी डॉक्टर का नहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ भेजा। हाँ, स्थानीय ग्रामीण। अच्छा, आप क्या कर रहे थे सर? हम तो उधर से आ रहे थे, तो दो लड़का ऑलरेडी डूब चुका था, वो कात में रो रहा था। उसको पूछे क्या हुआ, तो वो बोला कि आज मेरा भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। तो उसको हम पकड़ उकड़ कर ऊपर किए, ऊपर करने के बाद में उसको सब मिलकर डॉक्टर पास ले गया है। अभी तक वो खाली रो रहा था, और घर कहाँ है वो बोल नहीं पा रहा था। उसको मैंने दिमाग कुछ सेंसलेस हो गया, उसका भी स्थिति खूब खराब। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी इसकी? हाँ, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, लेकिन अभी तक प्रशासन को आता पता नहीं।